मानो तो मौज है वरना समस्या हर रोज है। अगर बीमारी शरीर में है तो उसका निवारण क्या है? आप कहोगे दवाइयां, लेकिन जब दवाइयां उस बीमारी का निवारण ना कर पाए तब सर्जरी ही ऑप्शन बचता है। उसी प्रकार मानसिक बीमारियां जब CBT या बाकी थेरेपी से ठीक ना हो तब सर्जरी करनी होती है। वो सर्जरी है गादी थेरेपी और कैथारसिस। जैसे आपके हाथ में पीप पड़ गई है अर्जुन जी, हाथ में पीप पड़ जाए तो दवाइयां उसे ठीक नहीं कर पाएंगी, तो सर्जरी करवा। हाँ, तो उसको तो खींच के निकालना होगा, काट के। कोई अंग गल गया है उसे दवाइयां तो ठीक नहीं कर सकती, मेडिसिन उस पर काम नहीं करेगी, तो उसको तो ऑपरेशन करके निकालना होगा। उसी प्रकार जो समस्या आपके पैटर्न में सेट हो चुकी है उसको सोच के ठीक नहीं किया जा सकता, उसके लिए तो गाली और कैथारसिस की प्रैक्टिस करनी है। सही, ठीक है। सोच से आपका बिलीव बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, आप बहुत अच्छा महसूस ठीक नहीं हो सकती मतलब। हाँ, लेकिन असली सिम्टम तब गायब होंगे जब आप गाली थेरेपी और कैथारसिस का अभ्यास करोगे। तो अभ्यास कैसे करना है गाली थेरेपी का, कि जैसे देखो जैसे आपके मन में ऑब्सेशन आता है, विचार आता है, तो आपके अंदर एक डर, एक जैसे खालीपन सा, एक ना जैसे ऊर्जा की कमी सी महसूस होती है। हाँ। एकदम से शरीर में ना झटका सा लगता है। हाँ। कुछ फील सा होता है, लेकिन जैसे ही आप गाली का अभ्यास करोगे तो फिर विचार आपके अंदर वो झटका पैदा नहीं कर पाएगा। और जैसे आप मंदिर के सामने से निकलते हो तब ऐसा होता है, तो मंदिर के सामने से निकलने से पहले ही गाली का अभ्यास कि साले कुत्ते कमीने सेक्सुअल विचार आ जाओ, मैं भगवान को मार रहा हूं, चाहे कुछ भी कर रहा हूं, जो भी आपके मन में कचरे वाले विचार आते हैं उनको बुलाना है कि मैं जा रहा हूं, बिगाड़ दो, क्या बिगाड़ोगे, मेरे शरीर में कंप कंपी हो रही है, मेरे माथे में भी गाली अटक रही है, मेरे सिर में, सारे शरीर में अटकानी, कि जहां अटकनी है वहां से अटको, जहां आ रही है वहां भी आओ, पैर में, मेरे तो लिंग में भी आ रही है, लिंग इधर उधर भाग रहा है, जैसे सोच सोच के बोलते रहना जो भी मन में आए कि ऐसे वैसे, मैं तो ये वीर्य चढ़ा रहा हूं, जो भी आपको खौफ लगता है वो सारा बोलना है, फुल वो बुला बुला के इमेजिन करके बोलना है, ठीक है, और बोलते ही रहना लगातार। अभी यहां प्रैक्टिस करनी है, फिर मंदिर के सामने भी हम प्रैक्टिस करेंगे। समझ गए? क्या समझे? गाली थेरेपी करना है। हाँ, और इसमें फायदा ये होगा कि आपके अंदर केमिकल उत्पन्न होंगे डोपामिन और सेरोटोनिन, उससे क्या है कि अग्रेशन और खुशी महसूस होगी, हल्कापन महसूस होगा। जब आप 10-15 मिनट गाली थेरेपी का अभ्यास कर लेंगे तब आपको बहुत हल्कापन, खालीपन महसूस होगा, जैसे कि दिमाग से बहुत बड़ा बोझ सा हट गया। अब आपने ये मेरे साथ करना है, कुछ देर में आपका सहयोग करूंगा, और जहां जहां से ये महसूस होती है ना, फंसती है, वहीं पर ध्यान लेकर जाना, वहां ज्यादा से ज्यादा फंसाना है, वहां और ज्यादा फंसाना है, और खुल के बोलना है, शर्माना नहीं है, जितना बोल सको पूरे एग्रेशन के साथ, जैसे एक्टिंग होती है ना फिल्मों में, या पी करके, आपको तो पता है शराब तो आप पी तो, तो पी करके फुल एक्टिंग करनी है। सर, मेरे को याद आया, मैंने एक बार मेरे को, मैं शाम के टाइम पी के आया, तो मैं फोटो फोटो जो घर में लगे थे, मैंने इनको सारे तोड़ दिए, और एक इतना बड़ा रस्सी का वो उठाया टुकड़ा में, वो बाहर दरवाजे के है, तो मैंने बहुत सपाटे मारे ये फोटो को, तो बड़वा आ गया उधर से, वो चेन वेन लेके, अच्छा, बोले इसको भूत भूत लग गया, तो फिर मेरे को दो एक चेन मचका, ओ, तो उस दिन से मैंने वो बाहर करना बंद कर दिया, बाहर नहीं करना। क्या वो तो क्या मेरे, अच्छा, बड़वे को ही पीट देते, आपने बड़वे को छोड़ा क्यों, साले को मारते गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने चलो यार, फिर मैंने वो फोटो वोटो सब फाड़ फोड़ के सब फेंक दिए, मैं घर वालों को बोला मैंने ये कुछ नहीं है, मैंने वो दो मूर्ति है पीतल की, मैंने ये इनकी पूजा करा करो, ये मेरे को इससे वो दिक्कत है, सारे फोटो निकाल दिए मैंने, फाड़ फोड़ के मैंने इसे पटक दिए, घर वाले कहा बोला इनको ठंडी करना पड़ेगी, बोले नर्मदा में, मैंने आओ तुमको जहाँ जाना वहाँ ठंडी कराओ, मेरे लिए तो ये कचरा है, डिब्बे में डाल दो इनको, कई काम के लिए नहीं, सही करा सर में। हाँ, सही किया, डरा नहीं मैं, मेरा जो इस बात का मुझे डर था
मैंने इस बीमारी से मैं खूब लड़ा। हाँ। बाकी वो ये पिक्चर बस ये मेरे बस से बाहर हो गई। कोई बात नहीं, ये अब भी छूट जाएगी। चलिए अब गाली थेरेपी का अभ्यास शुरू करते। आप आंखें बंद कर लीजिए, हल्के हल्के और जल्दी जल्दी सांस लीजिए। अब मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ, मंदिर की जो मूर्ति है उसके। एकदम से आंखें खोलिए और विचारों को बुलाइए, विचारों को बुलाइए, बुलाओ विचारों को, सलो आओ, फोटो को देखो और विचारों को बुलाओ, जोर जोर से बुलाओ, पूरा बुलाओ, विचारों को बुलाओ। ये देखिए, बुलाइए विचार, ये भी आपकी तरह एक बंदा आया था, उसने ही ये हाल किया है। बुलाओ विचारों को, बुलाओ जोर जोर से, बुलाओ, फुल बुलाओ, इमेजिन कर करके बुलाते जाओ। बक्सो मत, बहुत बक्स लिया आपने, बहुत ज्यादा दिनों तक बक्सा है आपने, अब और बुलाओ, बुलाओ जोर जोर से, विचारों को बुलाओ, बुलाओ जोर जोर से, बुलाओ जोर से, बोलो कि सालों कुत्तों को बिना विचारो आओ, मारो इसको, साथ में मारते जाओ, बुलाओ साले, जोर से बुलाओ, आवाज आनी चाहिए, आवाज आए अर्जुन, जोर से बोलो, आ जाओ, बुलाओ, हाँ आ जाओ, गाली फंसो, बोलो, हाँ फंसो बिचारा, बुलाओ 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 बुलाओ, वेरी गुड, जोर से बोलो, जोर से, पूरा जोर से, ये आ गई साली मूर्ति, आ गई ये मूर्ति, आ रही है, आ गई, आ गई, आ गई इसकी, हाँ वेरी गुड, बोलते जाओ, तुम्हारी बहन चोदवा, बुलाओ 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 बुलाओ, वेरी गुड, बुलाओ बिचारों को, सालों को बुलाओ बुलाओ, हाँ फसाओ गाली को, कमर में फसाओ, सिर में फसाओ, हाँ लगाओ, हाँ जहाँ जहाँ फंसती है फसाओ, कह दो आ जा, सारे शरीर में आ, सारे पूरे शरीर में फंसने दो, पूरे शरीर में फंसा के रखो, कह दे आ जा, आ जा, आ जा, पूरा फंसाओ इसे, पूरा फंसाओ, फंसाओ इसको, खा जा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा अच्छा, और बुलाओ, और बुलाओ उसको, सॉरी को बक्सो मत, आओ आओ, तेरी माँ, तेरी बेचारी, आ तेरी माँ, ब्लब ब्लब, बहुत दिन हो गए इसको, क्यों मारा चोदो, ब्लब ब्लब, हो जा भारी बन, तेरी माँ, एक मिनट रुकना, बोलते जाओ बोलते जाओ, ये कर दे, बोलते जाओ, बोलते, वेरी गुड, बंदा नहीं बुलाते जाओ, हाँ हाथों में आओ, फसाओ उस बक, बुलाओ बक, फस फस कहाँ है, बुलाओ बुलाओ, बुलाते जाओ बुलाते जाओ बुलाते जाओ बुलाते जाओ बुलाते जाओ, बुलाओ बुलाओ, हाँ बुलाते जाओ, मैंने जल्दी से आराम करते,
बड़वे से पिटवा दिया सारी, बड़वे से पिटवाया तूने मसूरी। जिंदगी नरक बना दी साली ने, मरो उस साली को और मरो कुत्ता कमीना हो सीढ़ी, इसको बख्शना नहीं है, मार दो इसको, खत्म कर दो इसको, इसका तो इसने अपना जीना हराम किया, मारो पैरों से इसको, लात घुसे मारो, मारो लात घुसे, लात घुसे मारो, मारो लात घुसे, लात घुसे मारो, लात मारो और मारो, मारो, बहुत दिन हो गए इसको, बोल, बहुत दिन हो गए इसको, बहुत दिन, मारते जाओ, मारते जाओ, और मारो, मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ, और मारो जोर जोर से, जोर जोर से, पूरा जोर से,
पूरा जोर से मारो और मारो, वेरी गुड, दोनों हाथों से और जोर से, बहुत दिन हो गए इसने, और जोर से, बकअप गाली, अब आ गाली, कहाँ रही है, पेट में बुलाओ, कह दो आ जा पेट में अटक मेरे, हाँ कमर पे आ, सारी जगह बुलाओ उसको, यहाँ अटक, अब यही अटकी रहा है, भाग मत, इसको भागने मत दो, उसको अटका के रखो यहाँ, हाँ कह दो यही अटक, माथे में भी अटकाओ, कहते यहाँ आ जा, पेट में भी अटका, सारे अंग अंग में अटकाओ, हाँ पूरी अटका, उठका के आया बिगाड़ मेरा, भारी कर सारा शरीर, भारी कर सारा शरीर, भारी कर, भारी कर, भारी कर, और भारी कर, और भारी कर, मार दे दी, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, और मारो साले को, इसे बहुत तंग किया, जिंदगी हराम कर दी इस साले को, तीनों सीढ़ी ने, बोल दे दी आज, बोल, बोल, बोल गाया, बोल, बोल, ओ भारी तेरी आज, और मारो साले को, जब थक जाओ तब छोड़ना है, मारो उसको, थकने ने थकना नहीं है, इसने बहुत जिंदगी हराम की है, वो सीढ़ी ने, साली ने, बुलाओ उस साले को, बहुत तंग है, अरे वक्त तेरी माँ जो, वक्त तेरी माँ जो, तो अरे वक्त, अरे वक्त बहन जो, मदर जो, पुत्र का मैं, वक्त गाले तेरी बहन जो, तो करवाई, पर, बस तेरी माँ, अटकाओ साले को, तेरी माँ जो अब हाँ पूरा बुलाओ शरीर से, पूरा कोने कोने में आ, अंग अंग में आ, हाँ
बुलाते जाओ साले को। तेरी माँ चुरो है, कहाँ से आ गया? तो बगली। बात मेरी माँ चुरो बक, बक। बक। बगली बक। लेकिन माँ के Thank you.